यूपी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ में होनी है आपको बता दें कि लोक भवन में 11 बजे से ये बैठक शुरू की जाएगी बैठक में कई अहम प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे इसके अलावा आपको बता दें कि स्वास्थ्य और शिक्षा खास इस बैठक का मुद्दा होगा जिन पर विचार विमर्श किया जाएगा 11 बजे से लखनऊ में इस बैठक को किया जाएगा विशेष तौर पर देखा जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय को इस दौरान बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा आपको बता दें लखनऊ में 11 बजे से यह बैठक रखी गई है शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश होंगे यूपी कैबिनेट की यह बैठक है आपको बता दें स्वास्थ्य और शिक्षा इन दो विषयों पर खासतौर पर कैबिनेट की नजर रहेगी इन दो विषयों पर खासतौर पर चर्चा इस बैठक के दौरान की जाएगी यूपी कैबिनेट की यह अहम बैठक लखनऊ में होगी लोक भवन में 11 बजे से इस मीटिंग को रखा जाएगा योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद है आपको बता दें यूपी कैबिनेट की अहम बैठक ग्यारह बजे से रखी गई है इस बैठक के दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जाएंगे इसके अलावा आपको बता दें योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होनी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से अमित यादव लाइव जुड़ चुके हैं अमित आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है लखनऊ में कैबिनेट की इसके अलावा आपसे पूछना चाहेंगे कि इस दौरान किन खास महत्वपूर्ण प्रस्तावों को इस बैठक में रखा जा सकता है जी देखिये तो ग्यारह बजे से लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक होगी तमाम कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में शामिल होंगे जो सूत्र बता रहे, रहे हैं आपराधिक मामलों में जो आसानी हो सकती है उसके लिए एक प्रस्ताव आ सकता है साथ में विभागों का जो पूर्ण गठन है उसको लेके प्रस्ताव आ सकता है साथ में जो निर्वाचन विभाग का जो दो और उन्नीस में सौ करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं उसकी जानकारी को लेकर प्रस्ताव आ सकता है इस तरीके तमाम और प्रस्ताव है जो मानसून सत्र से जुड़े हुए हैं वो आ सकते हैं किसानों से जुड़े हुए हैं वो आ सकते हैं नया सत्र शुरू होने वाला है तमाम विश्वविद्यालयों का विद्यालयों का और माध्यमिक विद्यालयों का उसका उसका प्रस्ताव आ सकता है तमाम इस तरीके के प्रस्ताव हैं जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं वो आ सकते हैं तो कई सारे प्रस्ताव जो सूत्र बता रहे हैं प्रस्तावित हैं वो आ सकते हैं कैबिनेट में और कैबिनेट में उसकी मुहर लग सकती है मगर ये बारह बजे कन्फर्म हो पाएगा कि कौन कौन सी बैठक कैबिनेट की बैठक में कौन कौन सी प्रस्ताव पे मुहर लगा है और जब अ, 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 सरकार के जो प्रवक्ता हैं श्रीकांत शर्मा और नाथ सिंह इन दोनों में दोनों लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तभी पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा कि कितने प्रस्ताव पे मुहर लगी है और कौन कौन से प्रस्ताव पे मुहर लगी है जी नीचू 11 बजे से यूपी कैबिनेट की मीटिंग होनी है देखा जाए तो खासतौर तो पर शिक्षा और स्वास्थ्य ये भी जो दो बड़े मुद्दे माने जा रहे हैं क्या इन पर भी खासतौर तो पर प्रस्ताव पेश किया जा सकता है जी बिल्कुल देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं इस पर भी कई सारे प्रस्ताव आ सकते हैं अगर शिक्षा की बात करें तो नया सेशन शुरू हो रहा है सभी विश्वविद्यालयों के शुरू हो रहे हैं विद्यालयों के शुरू हो रहे हैं माध्यमिक विद्यालयों के शुरू हो रहे हैं उसको लेकर प्रस्ताव आ सकता है किताबों को बंटवारा है उसको लेकर प्रस्ताव आ सकता है तमाम प्रस्ताव हैं इस तरीके के प्रस्ताव शिक्षा को लेकर आ सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर भी कई सारे प्रस्ताव आ सकते हैं क्योंकि कई सारे मेडिकल कॉलेज जो हैं वो प्रस्तावित हैं उनको बनाने के लिए भी कैबिनेट से मंजूरी चाहिए इस तरीके भी कई सारे प्रस्ताव आवा सकते हैं नीतु जी कैबिनेट बैठक में योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे बात की जाए उनके कैबिनेट के मंत्रियों की तो कौन कौन से मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे जी नीतू आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी और इसमें तमाम कैबिनेट मंत्री सभी विभाग के कैबिनेट मंत्री यहाँ पे शामिल होंगे और साथ में दोनों उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे कह सकते हैं कि ये जो बैठक है वो काफी अहम रहे होने वाली क्योंकि मानसून सत्र से ठीक पहले जो बैठकें हो रही हैं उसमें कई सारे अहम फैसले लिए जा रहे हैं कैबिनेट मानसून सत्र को देखते हुए जी नीतू जी यानी कि अलग अलग क्षेत्र के मंत्री इस कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है मॉनसून भी शुरू हो चुका है और खासतौर तो पर जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे भी रखे जाएंगे क्या महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कुछ प्रस्तावों को इस दौरान रखा जा सकता है देखिए निझू कई सारे प्रस्ताव हैं जो प्रस्तावित हैं अब देखना होगा कि कैबिनेट में कौन कौन से प्रस्ताव लाए जाते हैं किस पे कैबिनेट की मुहर लगती है और कौन कौन से प्रस्ताव पास किए जाते हैं आपको जो पूरी डिटेल होती है ब्रीफिंग की वो साढ़े बारह बजे ही पता चल पाती है साढ़े बारह बजे जब सरकार सरकार की प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से प्रस्ताव पर मुहर लगी है उसी वक्त पता चल पाता है कि कौन कौन से प्रस्ताव पर मुहर लगी और डिटेल उसकी जानकारी मिलती है कि उसकी डिटेल क्या है और सरकार क्या काम करना चाहती है किस क्षेत्र में काम करना चाहती है किसको देखते हुए प्रस्ताव लाया गया है क्या जरूरतें थी प्रस्ताव का कितना इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए तो कई सारे मुद्दे उस समय क्लियर हो पाते साढ़े बारह बजे के बाद नीतू जी यानी कि बारह बजकर तीस मिनट पर ही पता चल पाएगा कि कौन कौन से प्रस्ताव को इस कैबिनेट मीटिंग में मुहर लग पाई है बहुत बहुत शुक्रिया मित तमाम जानकारी के लिए तो आपको बता दें कि आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा है किन प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है ग्यारह बजे से यह मीटिंग रखी गई है स्वास्थ्य और शिक्षा विशेष तौर पर इस पर फोकस रखा जाएगा इस कैबिनेट मीटिंग के दौरान महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जाएंगे इस बैठक के दौरान इसके अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको इस कैबिनेट की बैठक के दौरान रखा जाएगा वे कौन से अहम प्रस्ताव होंगे ये कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि किन पर मुहर लगी है